चीपक सुपर गिलीज एंड लाइका कोवाई किंग्स के बीच में जो TNPL का नेक्स्ट मैच आज शाम को 7:15 में खेला जाएगा, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे उसी मैच को लेके। बाकी ये मैच खेला जाएगा इसानेर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बाटूर में। अच्छा, सबसे पहले इस मैच का फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, एकदम ऊपर वाला जो पिंड कमेंट होगा ना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। बाकी इस वेन्यू पे टोटल 3 मैचेस रीसेंट के TNPL का खेला गया है, जहाँ पे एवरेज स्कोर सिर्फ 126 का रहा है बैटिंग फर्स्ट करते हुए एंड बैटिंग सेकंड करते हुए 129 का। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम एक बार जीता है 3 मैचेस में से एंड बैटिंग सेकंड करने वाला टीम 2 बार जीता है। परफॉर्मेंस ऑफ बोथ टीम्स, दोनों टीम्स का इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस कैसा रहा है? CSG तो अब तक एक मैच खेले ही नहीं है इस वेन्यू पे, लास्ट वो दिंदीगुल में खेले थे। बाकी लाइका कोवाई किंग्स ऑलरेडी एक मैच इस वेन्यू पे खेल भी चुके हैं एंड जीत भी चुके हैं। ठीक है, रीसेंट मैचेस जो इस वेन्यू पे खेले गए हैं वो आप उठा के देखेंगे। जो कल वाला मैच खेला गया था 165/7 बैटिंग फर्स्ट करते हुए बनाए थे, यहाँ पे 126/9 चेज नहीं हो पाया था, मदुराई पैंथर्स जीत गए थे। पेसर्स 6 विकेट तो स्पिनर्स 8 विकेट निकाले थे, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 5 विकेट मिला था, तो पेसर एंड स्पिनर को इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देना है इस मैच में भी। ठीक है, उसके पहले वाला मैच जो कि 10 जुलाई को खेला गया था 135 ऑल आउट एंड 8/5, मतलब 140 के नीचे था, 150 के नीचे था, तो चीज हो गया आसानी से। ठीक है, पेसर्स 8 विकेट तो स्पिनर्स 6 विकेट, यहाँ पे भी स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट मिला था। उसके बाद 117/8 एंड 121/4, फर्स्ट इनिंग में बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर बना इसलिए आसानी से चेज हुआ। पेसर्स 8 विकेट तो स्पिनर्स 4 विकेट निकाले थे, अगेन आप देख सकते स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट मिले हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक एरो वाला बटन आपको दिखेगा ना, यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट एंड बाकी जितने भी डोमेस्टिक मेंस वुमेन्स एंड इंटरनेशनल मैचेस शुरू होने वाले हैं उनके फाइनल अपडेट्स वहीं पे आते हैं, तो काइंडली टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा। अच्छा दोस्तों, बात कर लेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो इन दोनों टीम्स के बीच में TNPL हिस्ट्री में टोटल 7 मैचेस खेले गए हैं आज तक, जहां पे CSG डोमिनेट किए हैं 5 जीत के साथ और LKK सिर्फ 2 बार ही जीत पाए हैं। लास्ट 5 मैचेस को भी उठा के देखेंगे ना, तो वहां पे 4 बार CSG ने जीत हासिल किया तो 1 बार सिर्फ LKK ने जीत हासिल किया। इस वेन्यू पे हालांकि कोई भी हेड टू हेड मैच इन दोनों टीम्स के बीच में नहीं खेला गया है। अब रीसेंट के कुछ हेड टू हेड मैचेस के दूसरे वेन्यू पे खेले गए हैं वो हम उठा के देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कौन से प्लेयर ज्यादा अच्छा किए हैं हेड टू हेड मैचेस में। ठीक है, 159/7 123/9 CSG ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता था। राजा गोपाल क्षितिज जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं 64 किए थे ग्रैंड लीग के फर्स्ट पिक आपके लिए। साई किशोर 31 रन किए थे, 2 विकेट निकाले थे। हरीश कुमार 15 नॉट आउट और 1 विकेट निकाले थे। सोनू यादव का 1 विकेट, एम सिद्धार्थ का 1 विकेट, जगन्नाथ श्रीनिवास का 1 विकेट, अलेक्जेंडर का 1 विकेट, यहाँ पे अभिषेक तनवर 29 रन और 2 विकेट निकाले थे। शाहरुख खान सिर्फ 26 किए थे, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला था। ठीक है, गंगा श्रीधर राजू 22 किए थे, सिन्वा कुमारन 2 विकेट, युधिश्वरन 2 विकेट, आर दिवाकर का 1 विकेट रहा था। ठीक है, यहाँ पे लाइका कोवाई किंग्स एंड सुपर गिलीज के बीच में और एक हेड टू हेड मैच खेला गया था 2019 को, यहाँ पे CSG चेस करते हुए जीता था, लाइका कोवाई किंग्स को सिर्फ 115 पे ऑल आउट कर दिए थे, जहाँ पे शाहरुख खान 22 रन किए थे तो हरीश कुमार बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 4 विकेट निकाले थे। उसके बाद 2018 में एक हेड टू हेड मैच खेला गया जहाँ पे लाइका कोवाई किंग्स ने बैट फर्स्ट करते हुए 158/6 किया, चेज नहीं हुआ। शाहरुख खान बैटिंग फर्स्ट करते हुए 59 किए थे, अजीत राम लाइका कोवाई किंग्स के तरफ से सेकेंड इनिंग में 2 विकेट निकाले थे।
कृष्णमूर्ति विग्नेश 2 विकेट निकाले थे, अंडररेटेड है, अभी इनका सिलेक्शन काफ़ी कम हो गया है। नटराजन 2 विकेट, शशिदेव 23 किए थे 29 बॉल्स पे, हरीश कुमार का नाम आपको फिर से दिखेगा 2 विकेट के साथ, बी अरुण 2 विकेट एंड आर अलेक्जेंडर 1 विकेट निकाले थे। उसके बाद 2017 में और एक हेड टू हेड मैच खेला गया जहाँ पे CSG ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता, ये मैच बारिश के कारण अफेक्टेड भी रहा था। हरीश कुमार का नाम आपको फिर से दिखेगा इस बार बैटिंग से, कृष्णमूर्ति विग्नेश का नाम आपको फिर से दिखेगा, शाई किशोर का नाम आपको फिर से दिखेगा, अलेक्जेंडर का नाम आपको फिर से दिखेगा दोस्त एंड अरुण कुमार, ठीक है। उसके बाद 2017 में और एक हेड टू हेड मैच खेला गया जहाँ पे CSG ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए फिर से जीत हासिल कर लिया। यहाँ पे देखिए हरीश कुमार 1 विकेट, फिर से आपको हरीश कुमार का नाम दिख गया, कृष्णमूर्ति विग्नेश का नाम आपको फिर से दिखेगा, शशिदेव का नाम आपको फिर से दिखेगा, आर सतीश फर्स्ट मैच में हमने देखा था बैटिंग से एंड यहाँ पे बॉलिंग से 1 विकेट, साई किशोर 1 विकेट एंड आर अलेक्जेंडर का नाम आपको फिर से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे जब जब इन दोनों टीम्स के बीच में हेड टू हेड मैचेस हुए हैं ना, कौन से प्लेयर बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, कौन से प्लेयर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा किए हैं, सेम विद बॉलर्स, कौन से बॉलर्स बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ज़्यादा अच्छा किए हैं, कौन से बॉलर्स सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा किए हैं। चिपक सुपर गिलीस की तरफ से देखेंगे, यहाँ पे अरुण कुमार फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 1 विकेट निकाले हैं, ठीक है, सेकंड इनिंग में बॉलिंग नहीं किए हैं इसलिए कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। बाकी थोड़ा सा नीचे आएंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में देख लेंगे, एस हरीश कुमार जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग किए हैं, मतलब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग किए हैं, देखिए बैटिंग करते हुए भी परफॉर्मेंस आया है एंड बॉलिंग करते हुए भी परफॉर्मेंस आया है, यहाँ पे 3 विकेट सेकेंड बॉलिंग करते हुए निकाले हैं, यहाँ पे 2 विकेट सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए निकाले हैं एंड फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन आपके लिए एस हरीश कुमार आज बन रहे हैं हेड टू हेड मैचेस के हिसाब से भी एंड जो बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड करते हुए परफॉर्मेंसेस है उस हिसाब से भी, ठीक है। जगन्नाथ श्रीनिवास सेकंड बॉलिंग करते हुए 1 विकेट निकाले हैं, कौशिक गांधी एक ही इनिंग खेले हैं फर्स्ट बैटिंग करते हुए 10 रन किए हैं, यहाँ पे एम सिद्धार्थ सिर्फ एक ही हेड टू हेड मैच खेले थे सेकंड बॉलिंग करते हुए 1 विकेट जहाँ पे फुल ओवर्स इनको नहीं मिला था, एन जगदीशन फर्स्ट बैटिंग करते हुए 9 रन किए हैं, ज़्यादा लंबा स्टैट एंड बड़ा स्टैट है नहीं जज करने के लिए, आर अलेक्जेंडर देखिए कितना कंसिस्टेंट है सेकंड बॉलिंग में 2 विकेट एंड 1 विकेट एंड फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, यहाँ पे विकेटलेस गए हैं सिर्फ, ठीक है। तो आर अलेक्जेंडर वन ऑफ द मस्ट पिक्स में आते हैं। राजगोपाल सतीश ग्रैंड लीग के पिक, क्यों, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 18 रन 1 विकेट 64, ठीक है, ये हिट टू हेड मैचेस में है और फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 1 विकेट 2 विकेट, ठीक है। तो आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक राजगोपाल सतीश बन गए। आर शाई किशोर देखिए कितने कंसिस्टेंट रहे हैं हिट टू हेड मैच में, जब फर्स्ट बैटिंग एंड सेकेंड बॉलिंग किए हैं 2 विकेट 31 रन 2 विकेट और सेकेंड बैटिंग एंड फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, तो कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं प्लस बैटिंग जब जब आया है रन भी करके दिए हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, सोनू यादव का आपको दिख जाएगा जो कि सेकेंड बॉलिंग करते हुए 1 विकेट एंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 7 नॉट आउट किए थे। शशिदेव सेकेंड बॉलिंग एंड फर्स्ट बैटिंग में कुछ खास नहीं किए हैं हेड टू हेड मैचेस में, यहाँ पे 16 यहाँ पे 4, बट सेकेंड बैटिंग करते हुए 14 31 एंड 23 किए हैं, ठीक है। बाकी नीचे CSG के तरफ से और कोई खास प्लेयर है नहीं, लाइका कोवाइकिंग्स के तरफ चलते हैं। अभिषेक तनवर देखिए 29 रन 2 विकेट फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 2 विकेट निकाले थे प्लस बैटिंग भी आ गया था 29 किए थे। एस अजीत राम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए 2 बार 2-2 विकेट निकाले हैं, दोनों बार फ्लॉप भी गए हैं, फर्स्ट बॉलिंग में विकेटलेस गए थे, ठीक है। बाकी नीचे जाएंगे और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर गंगा श्रीधर राजू जो कि ओपनिंग करते हैं हिट टू हिट मैचेस में देखेंगे, सेकेंड बैटिंग करते हुए एक बार 31 किए हैं, एक बार 22, एक बार 0, फर्स्ट बैटिंग अब तक नहीं आया है इनका। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, साई सुदर्शन सिर्फ एक ही इनिंग खेले हैं हेड टू हेड मैच में, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 5 रन बना के आउट हो गए थे, ठीक है। शाहरुख खान फर्स्ट बैटिंग करते हुए कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, 59 एंड 22, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 26, मतलब हेड टू हेड मैचेस में विकेट्स ये नहीं निकाल पाए हैं CSG का, ठीक है। बाकी कृष्णमूर्ति विग्नेश अंडररेटेड प्लेयर, आज अंडर 20% इनका सिलेक्शन है, फ़र्क नहीं पड़ता, अपने टीम में ज़रूर से रखिएगा क्योंकि सेकेंड बॉलिंग करते हुए
दो विकेट, एक विकेट, एक विकेट निकाले हैं एंड फर्स्ट बॉलिंग करते हुए एक ही इनिंग में बॉलिंग किए हैं, दो विकेट निकाले हैं। युधिष्ठिरन को तो नहीं खिलाया जा रहा बट फर्स्ट बॉलिंग में ये भी दो विकेट निकाले थे पिछले साल, ठीक है। बाकी आर दिवाकर फर्स्ट बॉलिंग करते हुए एक विकेट निकाले हैं, 7 रन किए हैं, ठीक है। अच्छा, चिपक सुपरगिलीज टीम के बारे में बात कर लेंगे, तो इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 एंड बेंच में कौन से प्लेयर हैं एंड हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन से, तो आपको प्लेयर्स जज कर सकते हैं कि कौन से प्लेयर को लेना है और कौन से प्लेयर को नहीं लेना है रीसेंट फॉर्म के हिसाब से। इन जगदीशन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, CSK की तरफ से IPL में भी खेले हैं एंड उनके स्क्वाड में भी पूरे पूरे जो महीने हैं वो बिताए हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं एंड TNPL के प्रूवन स्टार है, जैसे कि कुछ गिने चुने ही TNPL के प्रूवन स्टार आपको दिखेंगे, जैसे कि शाहरुख खान, मुर्गन अश्विन, ठीक है, उनमें से एक है नारायण जगदीशन, ठीक है। आर अश्विन भी TNPL में भी बहुत नाम कमाए हैं, ठीक है। दिनेश कार्तिक है जो कि TNPL के बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, ये उनमें से एक है नारायण जगदीशन जो कि 15 किए हैं लास्ट मैच में, उसके पहले 125 139 नॉट आउट, तो अपना जो पुराना रंग है ना नारायण जगदीशन का अब तक नहीं दिखा है, ठीक है। तो नारायण जगदीशन को मैं प्रेफर करूंगा ग्रैंड लीग में ट्राई करूं, स्मॉल लीग में अगर दो विकेट कीपर के साथ जाना चाहते हैं तो ही ट्राई कीजिएगा, नहीं तो शायद आप छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि रीसेंट फॉर्म इनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। बट इनके कैप्टन कौशिक गांधी काफ़ी कंसिस्टेंटली बैटिंग प्लस बॉलिंग पार्ट टाइम से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे कि 19 रन किए थे लास्ट मैच में, उसके बाद 1 रन और 1 विकेट, फिर 64 किए थे, प्लस ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर रहे हैं कभी कभी, ज़्यादा कंसिस्टेंट है मेरे हिसाब से, तो कौशिक गांधी का आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। शशिदेव, इनका जो रीसेंट फॉर्म है काफ़ी बेहतर है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए 65 एंड 58 किए हैं दोनों मैचेस में, उसके पहले तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया था बट इस साल जो दो मैचेस खेले हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं, ठीक है। एस राधाकृष्णन, देखिए लास्ट 10 मैचेस का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 181 यहाँ पे देखेगा, ये दो मैचेस में कुछ खास नहीं किए हैं, यहाँ पे 16 नॉट आउट, 82 नॉट आउट, 55। इनका जो प्लस पॉइंट है ये है कि ये अपने विकेट फेंक के नहीं जाते, लंबा खेलने का कोशिश करते हैं, इसलिए एस राधाकृष्णन को बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, इनिंग को एंकर करते हैं, ठीक है। हरीश कुमार, देखिए कितने कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं, यहाँ पे 0 रन और 3 विकेट, 39 रन, विकेट नहीं ले पाए यहाँ पे, 26 रन और 1 विकेट, 13 रन और 1 विकेट, 1 विकेट, 15 रन और 2 विकेट, तो काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिए हैं, आपको 70 से 80 पॉइंट्स दे देंगे ऑन एन एवरेज, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। राजा गोपाल सतीश, यहाँ पे रीसेंट फॉर्म 15 रन, 0 विकेट, 4 रन, 5 रन, 11 रन, 1 विकेट, 29 रन, 1 विकेट, 64, ऐसा कुछ इनका रीसेंट फॉर्म रहा है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, अभी इनको फुल ओवर्स नहीं मिल रहा पिछले दो मैचेस से, बट बिल्कुल ग्रैंड लीग में आप एज अ डिफरेंशियल प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक रहा है। आर साई किशोर, इनके बारे में बात करके फ़ायदा है नहीं, ये भी वन ऑफ द प्रूवन स्टार्स है TNPL का, देखिए 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, यहाँ पे 81 रन और 1 विकेट, 2 रन और 2 विकेट, 19 रन, 4 विकेट, 3 विकेट, कितने कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं, और हमें ज़रूर से प्रेफर करूँगा आप इनको अपने टीम में ज़रूर से रखिएगा क्योंकि इस पिच पे ग्रिप एंड टर्न होगा, स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली फर्स्ट इनिंग वाले स्पिनर्स, जैसे कि मैंने आपको स्टैटिस्टिकली प्रूफ करके दिखाया। संदीप वॉरियर लास्ट मैच में विकेटलेस, उसके पहले 1-1-2 ऐसे विकेट निकाले हैं, बट इनका रीसेंट फॉर्म मुझे कुछ खास नहीं लगा है, फिर भी अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं ना तो ये डेथ ओवर्स में आएंगे, तो तब आप इनको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सोनू यादव, शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था इस साल इनका टूर्नामेंट का, बट लास्ट के दो मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 0 विकेट, 9 रन, 0 विकेट, उसके पहले जो फर्स्ट मैच खेले थे इस साल टूर्नामेंट का 34 रन भी किए थे, 1 विकेट भी निकाले थे, उसके पहले 17 रन और 2 विकेट निकाले थे, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, बट इनका सिलेक्शन लास्ट दो मैच के परफॉर्मेंस के बाद बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गए हैं, ठीक है। बाकी आर अलेक्जेंडर, ये कंसिस्टेंटली लास्ट दो मैचेस में परफॉर्मेंस किए हैं, 5 विकेट निकाले हैं, उसके पहले 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो कंसिस्टेंसी मुझे दिखता है, आपको अगर लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन काफ़ी हाई है, शायद आपके ओपोनेंट के पास भी होगा, ठीक है। एम सिद्धार्थ, जब से आर साई किशोर आए हैं इनका जो बॉलिंग के ओवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं लास्ट दो मैचेस में, इसीलिए विकेट भी नहीं मिला, उसके पहले 1 विकेट, फिर 4 विकेट, 2 विकेट निकाले थे, यहाँ पे 2 विकेट, 3 विकेट, इस बंदे को अगर 4 ओवर मिला तो 2 विकेट बिल्कुल लेके जा सकते हैं, बट दिक्कत यही है इनको पावर प्ले में 2 ओवर मिलता है, उसके बाद ओवर्स ही नहीं मिलते हैं, ठीक है।
बेंच पे आपको देव राहुल दिख जाएंगे, इनका रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। फिर जगन्नाथ श्रीनिवास आपको दिखेंगे, एस जय एस कार्तिक, बाकी और कोई खास प्लेयर है नहीं। बी अरुण है जो कि ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, डिसेंट बॉलर हैं, मैं उतना प्रेफर नहीं करूँगा, बाकी और कोई खास है नहीं। ठीक है, हाँ जी, अब बात कर लेंगे लाइका कोवाइकिंग्स टीम के बारे में जो कि ऑन अ रोल है एंड बैक टू बैक चेस करते हुए जीत रहे हैं। ठीक है, अब देखिए गंगा श्रीधर राजू इनके तरफ से ओपनिंग करेंगे, लास्ट मैच में 27 किए थे, उसके पहले 13-0 and 33। ठीक है, ठीक ठाक प्लेयर हैं, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। सुरेश कुमार रीसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, 64-46-37 किए हैं एंड काफ़ी अच्छे टच में दिखे हैं। लास्ट मैच में 15 रन किए हैं, इनके विकेट कीपर बैटर भी है तो कैचिंग एंड स्टंपिंग का भी पॉइंट्स देंगे, प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग, तो काफी इंपॉर्टेंट सीवीसी ऑप्शंस आप बना सकते हैं स्पेशली चेजिंग करते हुए, क्योंकि ये जो 64-46 आया था ना, चेजिंग करते हुए ही आया था। ठीक है, इनका टीम इस साल क्या करने का कोशिश किए हैं कि जब भी टॉस जीतते हैं पहले बॉलिंग कर लेते हैं, ओपोनेंट को 130-140-150 तक रोकने का कोशिश करते हैं, फिर जब खुद सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं काफ़ी ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं एंड वहाँ पे सुरेश कुमार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, पावर हिटिंग करते हैं पावर प्ले में, और गंगा श्रीधर राजू थोड़ा सा एंकर करते हैं, जब बुरा बॉल आता है ये भी हिट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पावर प्ले में ही सेकेंड इनिंग में दबाव पैदा कर देते हैं ताकि चेस करना आसान हो, फिर नीचे शाहरुख खान आके एंड सुदर्शन आके संभाल लेते हैं पारी को एंड टीम को जिता देते हैं, ये इनका स्ट्रेटेजी रहा है। बाय चांस अगर इस मैच में लाइका कोवाइकिंग्स को बैटिंग फर्स्ट करना पड़े तो इनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, सुदर्शन अगेन लास्ट मैच में 27, उसके पहले 56 नॉट आउट किए हैं, उसके पहले 0 रन, फिर 5 रन, फिर 14 रन, ऐसा कुछ इनका रीसेंट फॉर्म रहा है, वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर्स है एंड TNPL में परफॉर्मेंस के बाद इनको जो गुजरात सुपर जायंट्स है या फिर गुजरात लायंस जो भी है, जो कि इस साल IPL जीता, उस टीम में इनको सिलेक्ट किया गया था, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है TNPL का, अपना विकेट फेंक के नहीं जाते, वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर्स है, बिल्कुल मैं प्रेफर करूँगा आप इनको ट्राई करो अपने टीम में। ठीक है, श्रीजीत चंद्रन ग्रैंड लीग के पिक है, नंबर 4 पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो शाहरुख खान नहीं आएंगे नंबर 4 पे, अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स नहीं होता फिर हिटिंग के लिए या फिर मैच को फिनिश करने के लिए शाहरुख खान नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, श्रीजीत चंद्रन जनरली नंबर 4 पे खेलते हैं, फिर यू मुकिलेश आते हैं नंबर 5 पे, ये इनके सेवियर्स है। सेवियर क्यों? क्योंकि जब कोलैप्स हो जाता है तब यही दोनों प्लेयर आपको ग्रैंड लीग में परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे, मतलब आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हैं ना इस टीम में तो ऐसा मत कीजिएगा कि टॉप ऑर्डर के सुरेश कुमार को भी ले लिया, सुदर्शन को भी ले लिया, गंगा श्रीधर राजू को भी ले लिया और इधर से फिर श्रीजीत चंद्रन एंड मुकिलेश को भी ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर टॉप ऑर्डर से आप किसी दो प्लेयर या फिर तीनों को छोड़ रहे हैं, अगर तीनों को छोड़ रहे हैं तो ऊपर से आप ओपोनेंट के जो पावर प्ले वाले बॉलर्स हैं उनको आप जरूर से अपने टीम में रखिएगा। ठीक है, नहीं तो वही तो इनको आउट करेंगे ना, फिर अगर ये टॉप 3 जल्दी आउट हो गए फिर इधर से कौन काम में आएंगे? श्रीजीत चंद्रन आएंगे नंबर 4 पे एंड मुकिलेश इनिंग को एंकर कर सकते हैं, फिर शाहरुख खान नीचे आके इनिंग को फिनिश कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के साथ आपको ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन बनाना है, टॉप ऑर्डर को छोड़ेंगे तो ही मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को अपने टीम में रखना है, अगर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर नहीं रख रहे हैं तो टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर अपने टीम में होना चाहिए, क्योंकि तब आपका सोच ये होना चाहिए कि मैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर को नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैं मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को नहीं रख रहा हूँ क्योंकि टॉप ऑर्डर के प्लेयर को मैं चलवा रहा हूँ या फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चले। ठीक है, बाकी शाहरुख खान का रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, बोथ विद बैट एंड बॉल इस साल टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस किए हैं, बट 1-2 ओवर ही करेंगे, लास्ट मैच में पावर प्ले में 1 ओवर डाले थे और पावर प्ले के जस्ट बाद वो 7th वाला ओवर होता है वो ओवर ये डाले थे एंड 2 विकेट निकाल के गए थे। ज़रूरी नहीं है कि ये हर वक्त विकेट ले, सिर्फ 2 ओवर ही डाल रहे हैं। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, कभी भी ऊपर बैटिंग करने आ जाते हैं, प्लस बॉलिंग तो कर ही रहे हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आर दिवाकर एंड अभिषेक तनवर दोनों डेथ ओवर्स में डालेंगे, प्लस अभिषेक तनवर थोड़ा सा बैटिंग भी कर सकते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 रन्स, यहाँ पे 22 रन, यहाँ पे 11 रन, यहाँ पे 13 रन, तो ठीक ठाक बैटिंग ये कर लेते हैं, हिटिंग कर लेते हैं, प्लस ये दोनों मिलकर डेथ ओवर्स में डालेंगे तो दोनों को ही बॉलिंग फर्स्ट करते हुए रखने का कोशिश कीजिएगा। बी सूर्या लेग ब्रेक बॉलर हैं, काफ़ी इंप्रेसिव लगे हैं मुझे, क्योंकि जो 3 मैचेस खेले हैं टोटल 5 विकेट निकाल चुके हैं, तो ग्रैंड लीग के और एक डिफरेंशियल पिक बालू
सूर्य आपके लिए बन जाते हैं। कृष्णमूर्ति विघ्नेश लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं आया, उसके पहले 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 5 विकेट। तो देखिए एक चीज़, ये जब विकेट निकाले हैं 2 विकेट या फिर 3 विकेट या उससे ज़्यादा निकाले हैं या फिर नहीं निकाले हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ये भी डेथ ओवर्स में डालते हैं, 1 से 2 ओवर बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अजीत राम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिडिल ओवर्स में डालेंगे, पावर प्ले के बाद से शुरू करते हैं, 15 ओवर्स के पहले इनका ओवर्स खत्म हो जाता है। लास्ट दोनों मैच में 1-1 विकेट, उसके पहले 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, इनसे आप ऑन एन एवरेज 1 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेंच में आपको कोई खास प्लेयर ज़्यादा दिखेंगे नहीं, एन सिल्वा कुमारन और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, अगर अजीत राम को बेंच में बिठाया जाता है तो सिल्वा कुमारन को मौका मिल सकता है, बाकी और कोई खास मुझे नहीं दिख रहा है। अश्विन वेंकट रामन है जो कि डिसेंट 15 से 20 रन आपको बना के दे सकते हैं, बाकी नीचे मोहन अभिनव है, यहाँ पे टी नटराजन तो नहीं खेलेंगे, युद्धेश्वरन है और एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर, बट इनको फर्स्ट मैच में खिलाया गया था जो कि 0 विकेट निकाले थे, उसके पहले पिछले साल ये 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट निकाले हैं, बट इस साल जो 1 मैच खिलाया गया वहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, 2 ऑप्शंस आपको क्लियर कट दिखने वाले हैं, जगदीशन एंड इन सुरेश कुमार। अब देखिए सुरेश कुमार का रीसेंट फॉर्म बहुत इसी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए हम उनको बिल्कुल फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे, बट जगदीशन नाम बड़े होंगे बट दर्शन इस साल काफ़ी छोटे दिखे हैं, अपना इनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, बड़ा इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं, जिसके लिए उनका नाम हुआ वही अब तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन जगदीश को फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूं, बट सुरेश कुमार हमारे टीम में जरूर से होंगे, काफी अच्छे टच में हैं, प्लस विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दे रहे हैं, स्पेशली वाइल चेजिंग आप सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में आएंगे, सुदर्शन हमारे फर्स्ट पिक होंगे जो कि अपना विकेट ज़्यादा जल्दी फेंक के नहीं जाते, और ये वाला पिच मुझे थोड़ा सा स्टिकी लगा है, जहाँ पे बॉल थोड़ा सा रुक के आते हैं, उतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच अब एक्सपेक्ट ना ही करो तो ही अच्छा है, लगभग 140 टू 155 के बीच में मुझे स्कोर लगता है, एंड 6 से 7 या फिर 8 विकेट तक भी गिर सकते हैं, तो ऐसे पिच पे मुझे सुदर्शन वाले प्लेयर्स या फिर सुदर्शन जैसे प्लेयर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। शशिदेव वाइल बैटिंग फर्स्ट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी बोला हुआ है पिछले बार कि शशिदेव को बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज़रूर से प्रेफर कीजिएगा। कौशिक गांधी आपको दिख जाएंगे जो कि पार्ट टाइम बोलिंग भी कर रहे हैं एंड सीएसजी के कैप्टन भी हैं, अगर मैं एन जगदीशन को छोड़ रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कौशिक गांधी टॉप ऑर्डर से फायर करे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टॉप ऑर्डर के दोनों ही ओपनर एक साथ चले, क्योंकि मैं एक ओपनर को ऑलरेडी छोड़ चुका हूं, मैं कौशिक गांधी को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। बाकी गंगा श्रीधर राजू जिनका सिलेक्शन 25% है, ऑन एन एवरेज 25 से 35 रन तक आपको बना के देंगे, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड लीग के पिक आपके लिए श्रीजीत चंद्रन बन जाएंगे जो कि नंबर 4 पे आएंगे, एंड इस राधा कृष्णन दोस्त जो कि लास्ट मैच में 81 बना के आ रहे हैं, जनता का ध्यान इन पे बिल्कुल नहीं है, 37% सिलेक्शन, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे सतीश जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं प्लस बोलिंग भी करते हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में, फिलहाल शाहरुख खान एंड अभिषेक तनवर सीधे सीधे हमारे टीम में आ जाएंगे, बहुत लोगों का सीवीसी यही दोनों होने वाले हैं, तो इन दोनों को हम नहीं छोड़ सकते, उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी हरीश कुमार जो कि कंसिस्टेंटली 2 विकेट 3 विकेट प्लस कुछ हद तक बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसीलिए हम इनको ज़रूर से लेंगे, तो 3 ऑलराउंडर हो गए। आइदर आप बैटिंग सेक्शन में जाकर राधाकृष्णन को ले सकते हैं या फिर गंगा श्रीधर राजू को जो कि ये ओपनिंग करेंगे एलके के तरफ से और ये नंबर 3 पे खेलेंगे सीएसजी के तरफ से, इन दोनों में से किसी एक को ले लो, या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में मुखिलेश तब लेना है जब एलके के बैटिंग फर्स्ट करे, क्योंकि ये जो दोनों बार 50 के करीब या फिर 50 प्लस किए हैं दोनों बार ही बैटिंग फर्स्ट करते हुए किए हैं, बैटिंग सेकंड में नीचे आते हैं तो ज़्यादा बैटिंग इनका आता नहीं है और ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जनरली राइट आर्म ऑफ ब्रेक करते हैं बट बॉलिंग इनसे नहीं करवाया जा रहा। एंड सोनू यादव आपके पास और एक ऑप्शन है जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर हैं एंड फर्स्ट मैच में परफॉर्मेंस के बाद विकेट्स नहीं निकाल पाए हैं, ना ही इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस आया है, तो ये वाला पिक फिलहाल के लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, बी सूर्या है जो कि लेग ब्रेक बॉलर है, 4 ओवर कंप्लीट डाल रहे हैं, ऐसे पिच पे
एक ऑलरेडी 3 विकेट ये निकाल चुके हैं, तो बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा एंड अपने टीम में रखने का कोशिश कीजिएगा। सिलेक्शन सिर्फ 19% का है ग्रैंड लीग के, और एक डिफरेंशियल पिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेक्शन में आएंगे, संदीप वॉरियर अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो ही रखिएगा, इनसे 1 से 2 विकेट उस सिचुएशन पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए मैं उतना प्रेफर नहीं करूँगा। बाकी साई किशोर हमारे टीम में होंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना खतरनाक है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। एंड आर अलेक्जेंडर भी हमारे टीम में होंगे, सेम फॉर द हेड टू हेड रिकॉर्ड। अजीत राम को आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए। के विग्नेश अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, हमारे टीम के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्स होंगे। सिर्फ 17% का सिलेक्शन हो गया है, उसके पहले ही ये 2 विकेट निकाले थे, तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बिल्कुल आप के विग्नेश को ट्राई कर सकते हैं। बाकी आर दिवाकर डेथ ओवर्स में डालेंगे यहाँ पे अभिषेक तनवर के साथ, ठीक है। तो अगर LK के बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो आर दिवाकर को ले लीजिएगा, नहीं तो आपके पास और भी बेहतर ऑप्शन होंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पे मुखिलेश के साथ जाने का, सोनू यादव के साथ जाने का, नहीं तो गंगा श्रीधर राजू या फिर राधाकृष्णन के साथ जाने का। ये वाला पिक मैं फाइनल टॉस के बाद ही डिसाइड करूंगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाएगा। फिलहाल मेरा टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है, जहां पे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक आप मुझसे पूछेंगे, तो अभिषेक तनवर इस मैच में मेरे कैप्टन होंगे, वाइस कैप्टन मैं शाहरुख खान को दूंगा। आप बिल्कुल हरीश कुमार के साथ जा सकते हैं या फिर सुरेश कुमार अगर LK चेस करता है, तो आप इनको CVC ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से एक ऑप्शन मैं बोलूँगा शशिदेव, जिस तरीके का परफॉर्मेंस किए हैं स्पेशली वाइल बैटिंग फर्स्ट, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। साई किशोर और एक ऑप्शन है, बट सेफ यही तीनों ऑप्शन होने वाले हैं ऑलराउंडर से, ठीक है। बाकी फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा टॉस के बाद एंड डेडलाइन के ठीक 10 मिनट पहले। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, एकदम ऊपर वाला पिंड कमेंट होगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख जाएगा।